हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार इलायची को आपको किस तरह से खाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान रहती है, रात भर सोने के बाद भी आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, स्टैमिना कम हो गया है, ताकत कम हो गई है, आपके बाल झड़ रहे हैं, त्वचा पर ग्लो नहीं है, शारीरिक शक्ति कम हो चुकी है, तो आपको इलायची का कैसे और किसके साथ सेवन करना चाहिए जिससे आपकी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ इलायची का सेवन करती हैं तो उसको कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, किस चीज के साथ इलायची का सेवन करना चाहिए और किस समय आपको इलायची का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इलायची आपके पेट की जमा चर्बी, मोटापे, यानी आपकी पेट पर जितना भी फैट जमा है, चर्बी जमा है, उसको बहुत ही तेजी से कम करती है। इलायची को अगर आप सही तरीके से और सही समय पर खाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में कई किलो वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे लोग ढेर सारा पानी पीते हैं। पानी पीने से क्या होता है, आपकी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपका जो मोटापा है, फैट है, वो जल्दी से कम होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप इलायची को पानी में डाल करके पीते हैं तो उससे आपका वजन तेजी से कम होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। किस तरह से आपको इलायची का सेवन करना है, आपको रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी में 4 से 5 इलायची को डाल करके उसको भिगो कर रख देना है। पूरी रात आप इसको भिगो कर रख दीजिए और अगली सुबह इस पानी को अच्छे तरीके से उबाल लें। तब तक उबालें जब तक कि इलायची का जो फ्लेवर है, जो कलर है, हरा रंग है, वो पानी के अंदर आ जाए। और जब इलायची अच्छे तरीके से पानी में बॉयल हो जाए और ये पानी घट करके आधा ग्लास रह जाए, तब आपको इस पानी को छान करके इसको हल्का गर्म गर्म पीना है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको रात में सोने से पहले 1 कप दूध में 2 इलायची को कूट करके डाल देना है। साथ में इसमें आपको 2 चुटकी हल्दी मिलानी है। दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेना है जब तक कि हल्दी और इलायची का जो अर्क है, जो गुण है, वो दूध के अंदर आ जाए। दूध को अच्छे से उबालने के बाद में इसको गैस से उतार लें और दूध जब हल्का गर्म रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। इस तरह से अगर आप रोजाना दूध का सेवन करते हैं इलायची के साथ में, तो आपको जोड़ों के, घुटनों के, कमर के दर्द में बेहद आराम मिलेगा। आपके घुटनों की ग्रीस भी बढ़ जाएगी और साथ ही चलने, उठने बैठने में आपको परेशानी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी की समस्या भी खत्म होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोजाना रात में सोने से पहले 2 इलायची को दूध में अच्छे तरीके से उबाल करके इसको पी लेना है। ऐसा करने से शारीरिक ताकत और स्टेमिना बढ़ता है, किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इलायची आपकी भूख को बढ़ाती है, याददाश्त को तेज करती है, साथ ही कैंसर के खतरे को भी कम करती है, आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करती है, साथ ही आपकी त्वचा पर ग्लो भी लाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप इलायची के फायदे जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।